सीधे हम चलते हैं ईडी कार्यालय, जहां हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव में है मौजूद आयुष चौहान। आयुष, एक बार फिर गहमा गहमी ईडी कार्यालय की बढ़ने वाली है। पिछले कुछ महीनों से ईडी कार्यालय के पास गहमा गहमी बढ़ती रही है, चाहे वो आरोपियों की बात करें, फिर उसके बाद कई बड़े नाम वहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई है और अब जीरो FIR जिन्होंने दर्ज कराया कैश कांड मामले को लेकर, अनूप सिंह, उनसे पूछताछ की जानी है। क्या वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या किस तरह की हलचल है वहां पर, और अनूप सिंह के पहुंचने का समय क्या निर्धारित है? जी देखिए सारिफ, जो समय बताया जा रहा है विधायक अनूप सिंह के पहुंचने का, वो तकरीबन 11 बजे है। अभी 10 बजे है, एक घंटे अभी समय है। लेकिन आपको बता दें कि 30 जुलाई का वो वक्त रहा था जो तीन विधायक थे, विक्सल नमन कोंगाड़ी, इरफान अंसारी और राजेश कच्छप, जो कोलकाता के एनएच से 48 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार हुए थे, जिसको लेकर ये बताया जा रहा था कि सरकार गिराने की साजिश को लेकर जो है विधायक अनूप सिंह ने, बिरवा विधायक अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाने में FIR दर्ज किया था, जो जीरो FIR बनकर जो वो ट्रांसफर हुआ था कोलकाता। और उसी सिलसिले में ईडी ने भी एक CIR दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, और उसी सिलसिले में पूछताछ होनी है। विधायक अनूप सिंह ने कहा है कि ईडी जो भी उनसे पूछताछ करेगी उसका वो पूरा सहयोग करेंगे। तो ऐसे में उम्मीद जताया जा रहा है कि जो वक्त 16 दिसंबर को उन्हें समन जारी किया गया था और पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो आज वो तारीख है और तकरीबन 11 बजे पहुंचने की सूचना मिल रही है। उनके कुछ समर्थक हैं जो बताया जा रहा है कि उनके आवास पे जुट रहे हैं और कई समर्थक यहाँ भी पहुंचे हैं। लेकिन हम ईडी कार्यालय की बात कर ले, कुछ खास वैसा सुरक्षा के दृष्टिकोण से नजर नहीं आ रहा है। हालांकि विधायक के आने की गहमा गहमी को लेकर जो मीडिया कर्मी है वहां पहुंचते नजर आ रहे हैं, तो ये तस्वीरें नजर आ रही है। इंतजार उस वक्त का जब वो यहाँ पहुंचेंगे और उनसे पूछताछ शुरू होगी और कई जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ सकती है। क्योंकि देखिए, सरकार गिराने की साजिश को लेकर जो मामला सामने आया था, वो चाहे कैश का मामला हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, इसके पीछे क्या जो षड्यंत्र था या फिर क्या जो विधायकों ने दलील दी थी, क्या वो बात सच है, तो इन तमाम चीजों बिंदुओं पर पूछताछ होगी। और जो जीरो FIR हुआ था वो किसके कहने पे और क्या कुछ सूचनाएं जो है विधायक के पास मिली थी वो भी जानी जाएंगी, तो ये तमाम चीजें पूछी जाएगी सारी। तो इंतजार विधायक अनूप सिंह का जब वह पहुंचेंगे, हमारी नजर बनी हुई है, हम वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से वो यहाँ पहुंचते हैं, क्या वो अपने समर्थक के साथ पहुंचते हैं या वो सीधे अकेले पहुंचेंगे, तो ये नजरें बनी हुई है उन पर। और साथ ही साथ ये देखना होगा कि वो कितने देर उनसे ईडी पूछताछ करती है और क्या कितने सवाल जवाब होते हैं और क्या खबरें निकलकर सामने आती है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिये, साल के अंत के पड़ाव पे हम आज 24 दिसंबर की तारीख है, आज की रात कह सकते हैं जश्न शुरू हो जाता है क्रिसमस से, और ये लगभग कह सकते हैं 30 से 1 तक चलता है, तो एक पर त्योहार का मौसम है, इसके बीच में ये गहमा गहमी भी, तो ये कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ है। अब देखना क्या होगा कि वो कब पहुंचते हैं। जी सारिफ। आयुष, जो सवाल हो सकते हैं, सवाल अभी तो हम संभावना पे बात कर सकते हैं क्योंकि ईडी क्या सवाल पूछेगी, ईडी के मन में क्या, ईडी के पास क्या इनपुट्स हैं, ये ईडी के अधिकारी ही जाने। लेकिन सवाल यही हो सकते हैं कि किस तरह से उन्हें ये जानकारी मिली कि खरीद फरोख्त का मामला झारखंड में चल रहा है, कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कहां से, सोर्स क्या रहा उनका, क्या और भी लोग इसमें इन्वॉल्व है जिनका नाम अभी तक नहीं आया। संभावना जताई जा रही कि ये सारे सवाल होंगे ईडी की तरफ से। जी बिल्कुल सारिफ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जिस तरह से विधायक अनूप सिंह ने जो है ये पूरा मामला दर्ज कराया था, इनमें कई लोगों का नाम भी उन्होंने जो है सनहम दिया था, तो साथ ही साथ देखिए विधायकों के नाम सहित कई कह सकते हैं कि जो दूसरे राज्यों के लोग थे तो उनका भी नाम था, कई जो बीच में कह सकते हैं कि वैसे लोग थे जो कहीं ना कहीं एक कह सकते ब्रिज बन रहे थे, उनका भी नाम सामने आया था, तो ये तमाम लोगों के बारे में पूछताछ होगी। ऐसा भी बताया गया था कि अनूप सिंह को कई बार संपर्क किया गया था, उन्हें किस तरह कई तरह के प्रलोभन देने की कोशिश की गई थी, तो ये किसने किया था, कौन किया था, क्या वो प्रलोभन था, इन बिंदुओं पर पूछताछ होगी। और FIR दर्ज होने के बाद क्या कुछ उसके बाद डेवलपमेंट्स हुए हैं वो भी देखना होगा। तो ईडी ने भी कुछ ऐसा है इन्वेस्टिगेशन करके रखा होगा, क्योंकि CIR दर्ज होने के बाद ईडी अपना जो काम करती है और ईडी जो कुछ भी सबूत इकट्ठे करके रखी होगी उसी पर क्रॉस वेरीफाई होगा और उनके जवाब जो है विधायक अनूप सिंह को देने होंगे, तो इंतजार होगा उस वक्त का कितना सवाल जवाब। लेकिन एक कह सकते
सकते हैं कि बीते दिनों में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कह सकते हैं कि बुलाया गया था, उसके बाद ये अनूप सिंह को बुलाया गया, विधायक अनूप सिंह को, तो ये मामला दिलचस्प होता जा रहा है। अब इंतजार की कितने देर पूछताछ होती है, क्या सवाल जवाब होते हैं और विधायक अनूप सिंह बाहर निकलकर किस तरह से उनका रिएक्शन होता है और क्या किया। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जो तमाम चीजें हैं वो उस पर कहीं ना कहीं उनका पूरा सहयोग रहेगा और इसलिए कह सकते हैं निर्धारित समय 11 बजे उन्होंने खुद बताया है कि 11 बजे वो पहुंचेंगे। हालांकि गहमागहमी मीडिया कर्मियों से हो रही है और कई जो समर्थक हैं वो बोले कि उन्हें सूचना मिली थी कि उन्हें यहाँ पहुंचना है और वो पहुंच रहे हैं, कई समर्थक जो है वो उनके आवास तक पहुंचेंगे, तो इंतजार का हो रहा है। जी सॉरी, चलिए आयुष आप अपनी नजरें बना के रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।